हेलो फ्रेंड्स, आशुस कुकिंग मैजिक से मैं आशु आज आपको बताऊंगी मैजिकल मसाला की रेसिपी। ये मैजिकल मसाला आपकी सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ा देगा। बाजार में बहुत तरह के मसाले मिलते हैं, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और पता नहीं किन किन नामों से ये मसाले आते हैं, लेकिन ये लोग इसमें क्या मिलाते हैं वो किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन होटल वाले जो मसाले यूज़ करते हैं वो कभी भी बाजार का रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करते हैं, वो अपना खुद का बनाया हुआ मसाला यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है सबको। तो क्यों ना हम उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए बनाते हैं मैजिकल सब्जी मसाला। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। तो इन सारे खड़े मसालों के साथ हम मैजिकल सब्जी मसाला बनाएंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, किन मसालों को कब रोस्ट करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है और मसालों को पीसते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि मसाला सिर्फ रोस्ट करना और पीसना नहीं होता है, किस तरह से मसाले को पीसना होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है और इसमें हम 2 चम्मच चना दाल डालेंगे और इसी के साथ 1-2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे उड़द की दाल धुली हुई। और जीरा हमने लिया यहाँ पे 2 तरह का, एक तो जीरा नॉर्मल जीरा होता है, दूसरा होता है सह जीरा। तो 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने सह जीरा लिया है। अगर सह जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल वाला 2-2 चम्मच जीरा ले सकते हैं। 3 चम्मच हमने धनिया लिया है, खड़ी धनिया, और इसी के साथ हमने सौंफ ली है मोटी वाली 2 चम्मच। तो इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और मसालों को बिल्कुल धीमे धीमे रोस्ट करना है, हमें फ्लेम को मीडियम नहीं करना है, ठीक है। फ्लेम हमें इतने पे ही सेट रखनी है और जैसे ही ये मसाले रोस्ट हो जाएंगे इसके बाद कौन से मसाले डालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, कुछ मसाले देर से रोस्ट होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये चना दाल और उड़द की दाल दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, जीरा और मोटी वाली जो सौंफ है वो भी रोस्ट हो चुकी है। तो रोस्ट करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, इसी के साथ हम डालेंगे जावित्री, 2 जावित्री डाल देंगे। इसी के साथ हम 6 छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, डाल देंगे। तेजपत्ता मैंने 3 लिया, जिसके कि मैंने टुकड़े कर दिए हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लौंग 6 से 8, तो लौंग कोई मोटी होती है छोटी होती है इसलिए मैंने 2 संख्या रखी है। चक्रा फूल बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, इसको ज़रूर डालिएगा, 2 चक्रा फूल मैंने लिया है। और इसी के साथ हम इसमें जायफर डालेंगे, तो 1 जायफर को मैंने टुकड़ा कर दिया है, तो आधा जायफर यूज़ करिएगा, इससे ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। और इसमें बड़ी इलायची मैंने ली है, तो इसको हम खोल के छील के डालेंगे। तो खड़े मसाले बस इतने ही डालिएगा जितने मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो एक एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काली मिर्च सिर्फ 1 चम्मच डालिएगा, 1 टेबल स्पून, और इन मसालों को अब हम रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 है रोस्ट करने का, तो इसको भी हम सिर्फ 1 मिनट ही रोस्ट करेंगे और इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है हमारे किचन में। तो इसी तरह से ये मसाले जो हैं जब रोस्ट हो जाते हैं तो इसके बाद इसका एक मैजिकल स्वाद डेवलप होता है। तो बस यहाँ पे हमने इन खड़े मसालों को भी रोस्ट कर लिया है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़ी लाल मिर्च 6, और इसमें डालेंगे पीली सरसों। तो पीली सरसों अगर आपके पास नहीं है तो आप काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। खसखस, इसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें खसखस डालेंगे, यही मैजिकल स्वाद लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के साथ हम कसूरी मेथी डाल देंगे 2 टेबल स्पून, और कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता मेरे थोड़े से सूखे हुए हैं, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं तो उनको अच्छे से सुखा लीजिएगा पंखे में, हवा में,
और अब हम इसको रोस्ट करेंगे। तो कड़ी पत्ते के साथ हम इन सारे मसालों को रोस्ट कर रहे हैं, तो कड़ी पत्ता हमें कम्प्लीटली ड्राई करना है। अगर हम इसे ड्राई नहीं करेंगे तो आपके मसाले ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कड़ी पत्ता अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसका सारा मॉइस्चर मैंने ख़त्म कर दिया है और ये सारी चीज़ें हम लगातार लो फ्लेम पर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टिप आप ध्यान रखिएगा, फ्लेम को आपको बढ़ाना नहीं, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम में आपको ये सब चीज़ें रोस्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कड़ी पत्ता दिखाती हूँ, ये लिया है मैंने और इसको हाथ में ऐसे क्रश किया, तो देखिए ये पाउडर बन गया, बहुत बढ़िया रोस्ट हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे मेथी 1/4 टेबल स्पून, और इसी के साथ हम इसमें अजवाइन डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दिया है, हमें मेथी और अजवाइन को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। तो बस आधे मिनट के लिए हम ऐसे हल्का फुल्का इसको रोस्ट करेंगे, क्योंकि पैन हमारा गर्म है और वो सफिशिएंट हीट है मेथी और अजवाइन को रोस्ट करने के लिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसको हम कंप्लीट ठंडा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ, इसको बिल्कुल ठंडा कर दीजिएगा। अगर आप गरम गरम मसाला पीस देंगे ना तो बस वहीं पे गड़बड़ी होती है। तो बिल्कुल ठंडा कर दीजिएगा, तब हम इस मसाले को मिक्सी में पीसेंगे। और पीसने की भी एक कला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैं इसको हाथ से चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके और मसाले देखिए कितना अच्छा क्रंच है, बहुत ही बढ़िया रोस्ट हुए हैं। तो मैं आपके साथ एक एक स्टेप शेयर कर रही हूँ जिससे आपके मसाला बहुत बढ़िया बने। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, तो एक चम्मच हम इसमें सौंठ डालेंगे, अदरक का सूखा हुआ जो पाउडर होता है, और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच काला नमक पाउडर डालेंगे और 1/4 टेबल स्पून हींग डालेंगे। तो इन सूखे मसालों को अब हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको पीसेंगे मिक्सी जार में। तो यहाँ पे हमने एक जार ले लिया, अब हम इसमें इसको पीसने जा रहे हैं। और पीसेंगे कैसे, हम इसको लगातार चलाते हुए नहीं पीसेंगे, नहीं तो मसाले अपना ऑयल छोड़ देंगे। तो हमें धीरे धीरे पीसना है। तो यहाँ पे हमने मसालों को जार में डाल दिया है, अब मैं आपको पीसना बताती हूँ। तो देखिए हम इसको एक बार ऐसे पुश पे चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर पुश पे चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। बस इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, 2-3 सेकंड चलाएंगे, फिर हम बंद करेंगे मिक्सी को। इस तरह से क्या होगा कि आपके मसाले ड्राई पिसेंगे। अगर आप लगातार इसको 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे ना, तो मसाले ऑयल छोड़ देंगे और वहीं पे आपके मसालों का स्वाद बिगड़ जाएगा और जो मसालों के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बस हमने इसको ऐसे पीस लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ मसाले बिल्कुल ड्राई पीसे हैं और ये मसाले आपके बहुत लंबे समय तक चलेंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सूखे सूखे मसाले हैं, है ना। तो अब हम इसको एक कांच के जार में रखेंगे। तो मसालों को आप हमेशा कांच में रखें। तो ये देखिए पहले तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ इन मसालों को। तो बहुत ही बढ़िया मसाले पिस के तैयार हो चुके हैं, ये हमारा मैजिकल सब्जी मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो इसको हम एक कांच में के जार में रख देंगे। ये जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और इसमें आप बिल्कुल ठूंस के मसाला मत भरिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़िएगा, थोड़ी सी एयर छोड़िएगा, जिससे कि मसाले आपके ख़राब ना हो जल्दी। तो इसको आप फ्रिज में रखिएगा और ये हमारा मैजिकल सब्जी मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब आप कोई भी सब्जी बनाइए, भिंडी की, मशरूम की, आलू टमाटर, आप उसमें इसको आधा चम्मच, एक चम्मच अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो इस मैजिकल मसाले से आप अपनी सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ा सकते हैं और इस मसाले को आप आराम से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में रख के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये मसाला आपको बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।